hello students welcome to another video of the chapter sexual reproduction in plants in the previous video you have already studied about the structure of the flower and in this part we are going to study about the male reproductive part lobes of anther attachment of anther ts of anther microsporogenesis types of tetrads structure of pollen grain and lastly formation of male gamete okay so let's begin first of all male reproductive part मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आ, फ्लावर में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जिसे एंड्रोशियम भी कहते हैं आ, फ्लावर के अंदर में से हम स्टेमन कहते हैं एंड स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओके द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर ओके यू कैन सी इन द डायग्राम आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपको uh, लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर येलो कलर का दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट एंड जो ऊपर की तरफ में बर्ड लाइक -like या फिर आप कैप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंथर सो स्टेम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड इट इज डिवाइडेड इंटू टू सब पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फिलाेंट विच होल्ड द एंथर एंड फिलाेंट जो होता है वो या तो फ्लावर uh, के थैलमस के साथ में या फिर उसके पेटल्स के साथ में अटैच्ड होता है ओके okay? फिलामेंट के ऊपर में छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है या आप उससे कह सकते हैं कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंथर कहते हैं एंथर के अंदर में सैक्स प्रेजेंट होते, -like होते हैं सैक्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर में आपके ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ग्रेन्स आपके मेल गैमेट्स को डेवलप करते हैं ओके सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें आप ये जो एंड यहाँ पे जो फिलामेंट के एंड होता है यहाँ पे या तो थैलेमस अटैच होता है या तो फिर आपका पेटल्स अटैच होता है ठीक है तो दिस पोर्शन जिस जगह से फिलामेंट स्टार्ट होता है बनना दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्मल लोब इसे हम क्या कहते हैं प्रोक्िमल प्रोक्जिमल लोप इसे हम प्रॉक्सिमल लोप कहते हैं एंड जिस जगह पे फिलामेंट एंड होता है जहाँ से एंथर स्टार्ट होता है और फिलामेंट एंड होता है इस पॉइंट को हम डिस्टल लोप कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम डिस्टल लोप कहते हैं ठीक है ना सो so जो पूरी स्टॉक होती है फिलामेंट के जो पूरा स्टिक होता है वो प्रॉक्सिमल लोप से स्टार्ट होता है और डिस्टल लोप पे जा करके एंड हो जाता है डिस्टल लोप के बाद में आपका एंथर स्टार्ट होता है एंथर आपके एंथर के अगर आप कट करेंगे एंथर को तो उसके अंदर में आपको पॉलिन सैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिन सैक का डायग्राम दिया हुआ है दिस इज थी, दीज होल्स ये आपको जो होल्स दिख रहा है सर्कल्स दिख रहे हैं ये बैग लाइक -like स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम पॉलिन सैक्स कहते हैं पॉलिन सैक्स के अंदर में छोटे छोटे पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं ओके आई होप दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज क्लियर टू यू द नेक्स्ट वन इज लोब्स ऑफ एंथर प्रीवियस uh, डायग्राम में आपने देखा था कि एंथर होता है जब आप इसको uh, कट करेंगे तो आपको अंदर पे लोब्स दिखेंगे ठीक है अगर एंथर आपका सिंगल लोब स्ट्रक्चर है जब आप एंथर को कट करेंगे तो एंथर अगर आपका सिंगल लोब्ड है सपोज एंथर को अगर आपने यहाँ से कट किया ठीक है ना आपने एंथर को यहाँ से कट किया तो एंथर का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा ठीक है ना दिस इस, इसके अंदर में दो पॉलन सैक्स होंगे ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम आ, ये सिंगल लोब्ड है आपके क्योंकि एक ही एक ही आपको ये लोब जो दिख रहा है ये सिंगल लोब है दिस इज कॉल्ड एज मोनोथीसियस इसे हम क्या कहेंगे मोनोथीसियस अगर आपका जो लोब है एंथर का जो लोब है वो अगर सिर्फ सिंगल लोब्ड है वन लोभ प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोथीसियस इसे हम क्या कहते हैं मोनोथीसियस कहते हैं अगर इस, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मालवेसी फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं जैसे कि आपका हिबिस्कस ठीक है मालवेसी फैमिली के फ्लावर्स में हमेशा सिंगल लोब देखा जाता है यानी वो मोनो मोनोस्थीस, मोनोथीसियस होते हैं ओके द नेक्स्ट इज अगर एंथर के पास में डबल लोब्ड है यानी कि दिस इज लाइक दिस ठीक है ना अगर इस तरीके से है कि डबल लोब स्ट्रक्चर है यानी एक लोब ऊपर की तरफ में एक लोब नीचे की तरफ में ठीक है ना तो अगर डबल लोब स्ट्रक्चर है तो दैट इज कॉल्ड एज डाई डाई थी इस हम क्या कहते हैं डाई थीस कहते हैं ठीक है ठीके? ये आपका जो होता है कई सारे फैमिलीज में यानी मालवेसी फैमिली को छोड़ करके जितने भी फैमिलीज होते हैं फ्लावर के उनमें सब में आपके डाइथीसियस एंथ जो एंथर के लोब्स होते हैं वो डाइथीसियस ही पाए जाते हैं ठीक है ना आप देख सकते हैं डाइथीसियस में फ, ये एक लोब बनेगा ये सेकेंड लोब बनेगा ये थर्ड लोब बनेगा ये फोर्थ लोब बनेगा ठीक है तो इस तरीके से फोर लोब बनते हैं वन टू थ्री एंड फोर फोर लोब्स बनेंगे बट मोनोथीसियस में सिर्फ एक ये सिंगल वन लोब और ये सेकेंड लोब तो ये सिर्फ वन लोब और ये सेकेंड लोब ही बनता है ठीक है इनके अंदर में आपके पॉलिसक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है अगर मैं आपको कट करके एक बार दिखाऊं, तो आपने पीछे वाले डायग्राम में देखा होगा सी ये यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि चार लोब्स दिए हुए हैं फर्स्ट लोब सॉरी या आपका चार लोप दिया हुआ है वन टू थ्री फोर जहाँ पे आपका पॉलिन सेक्स लिखा हुआ है तो येलो कलर आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फोर लोब्स दिए हुए हैं ठीक है ना तो दिस इज कॉल्ड एज फोर आपके डबल लोब स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इसे हम कहते हैं डाई थीसियस इसे क्या कहते हैं डाई कहते हैं ठीक है so, सो एंथर जो होते हैं लोब्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं द सेकेंड नेक्स्ट इज अटैचमेंट ऑफ एंथर विथ फिलामेंट एंथर uh, किस uh, तरीके से फिलामेंट से अटैच होता है इस बेसिस में भी हम एंथर uh, को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज बेसिफिक्स तो पहला पार्ट जो होता है उसे हम बेसिफिक्स कहते हैं बेसिफिक्स में क्या होता है जो आपका एंथर होता है वो बिल्कुल बेस से uh, जो फिलामेंट का जो डिस्टल uh, लोब होता है वहाँ से अटैच होता है सपोज आई टोल्ड यू कि दिस इज फिलामेंट ये इसका प्रोक्सिमल लोब होता है ये इसका डिस्टल लोब होता है ठीक है ना डिस्टल लोब से अगर आपका एंथर अटैचड है तो इस तरीके के, के अटैचमेंट को हम कहेंगे बेसी फिक्सड इसे हम क्या कहेंगे बेसी फिक्सड कहेंगे ठीक है द नेक्स्ट वन इज एडिनेट ए डी एन ए टी ई नेक्स्ट क्या है आपका एडिनेट है एडनेट में क्या होता है आपका ये फिलामेंट होता है फिलामेंट कम मतलब फिलामेंट से ही जो आपका एंथर होता है वो फिलामेंट से ही अटैच होता है यानी फिलामेंट जो होता है वो एंथर के टिप तक प्रेजेंट होता है कहाँ तक प्रेजेंट होता है टिप तक आप ये देख सकते हैं कि ये फिलामेंट गया है ये फिलामेंट बिल्कुल टिप तक जा रहा है यहाँ पे कनेक्टिव कहाँ पे है इस जगह पे कनेक्ट है ठीक है ना तो अगर फिलामेंट एंथर के टिप तक प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एज एडनेट ए डी एन ए टी ई एडनेट ठीक है तो थे, थे द थर्ड वन इज कॉल्ड एज डॉर्सि थर्ड को हम क्या कहते हैं डॉर्सी अगर फिलामेंट एंथर के डॉर्सल साइड से प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे डोर्सी फिक्स कहेंगे ठीक है ना अगर एंथर फिलामेंट के डॉर्सल साइड से यानी पीछे की तरफ में आप ये देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज एंथर ये आपका एंथर प्रेजेंट है और ये इसके डोर्सल साइड से यानी पीछे की तरफ से अगर प्रेजेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज डोर्सी फिक्स्ड ठीक है द फोर्थ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज वर्सटाइल फोर्थ अटैचमेंट को हम क्या करते हैं वर्सटाइल वर्सटाइल में क्या होता है आपका जो एंथर होता है वो डम्बल शेप का होता है कैसा होता है आपका डम्बल शेप का एंथर होता है और फिलामेंट जो होता है वो एक पॉइंट से अटैचड होता है ठीक है ना डम्बल शेप का यानी ये क्या होता है सिर्फ एक पॉइंट से डम्बल शेप के फिलाेंट अटैचड होता है और हर वक्त एंथर क्या होते हैं इसके हिलते रहते हैं मतलब उससे बहुत स्ट्रांगली नहीं अटैच्ड होते हैं वो हमेशा आ, हिलते रहते हैं ठीक है ना एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो वर्साटाइल का एग्जाम्पल आप लिलीज के फ्लावर्स में देख सकते हैं आपने लिली देखा होगा लिली का जो एंथर होता है वो कैसे होता है बिल्कुल आपका डम्बल शेप में होता है ठीक है डम्बल शेप में और जो उसका फिलामेंट होता है वो उसके साथ में बिल्कुल एक पॉइंट से अटैच होता है इस तरीके के अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं वर्साटाइल अटैचमेंट कहते हैं क्या कहते हैं हम इसे वर्साटाइल अटैचमेंट कहते हैं ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू द नेक्स्ट इज टी एस ऑफ एंथर टी एस ऑफ एंथर जो होता है अगर आप एंथर को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अगर आप एंथर को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो ये जो सामने आपको फिगर्स दिख रहे हैं इस तरीके के, के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे एक आपका कलर्ड फिगर्स दिखाया गया अलग अलग कलर का दिखाया गया एक आपका ब्लैक एंड वाइट स्ट्रक्चर दिखाया बहुत स्ट्रक्चरस आज सेम दोनों स्ट्रक्चर जो हैं आपके वो बिल्कुल सेम है ठीक है ना तो एंथर को अगर हम आ, काटते हैं सपोज हमने यहाँ पे डायथीसियस दाए, दाए, एंथर को कट किया यानी डबल लोब जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने कट करके आपको फिगर दिखाया है आ, दोनों लोब जो होते हैं आ, जो आपका एंथर के जो दो लोब्स होते हैं डाइथीसियस दाए, में वो दोनों लोब जो होते हैं एक पॉइंट से अटैच होते हैं एंड दैट दैट अटैचमेंट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव उस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं कनेक्टिव कहते हैं ठीक है ठीके? तो जैसे कि ये आपका फिगर है ठीक है दिस इज कॉल्ड एज योर फिगर ये वन टू थ्री इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये जो बीच से जिस जगह से अटैच्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव इस हम क्या कहते हैं कनेक्टिव कहते हैं ये आपका दिया हुआ है देखिए यहाँ पे कनेक्टिव इसका ये इस डायग्राम में भी आपका कनेक्टिव दिया इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है इट ओनली हेल्प्स टू अटैच बोथ द लोब्स को एक दूसरे के साथ में क्या करता है अटैच करने में काम देता है ठीक है ना और ईच लोब में आपको लोब देख रहे होंगे ये आपका फर्स्ट लोब है दिस इज कॉल्ड एज योर सेकेंड लोब ये आपका फर्स्ट लोब है सेकेंड लोब है दोनों लोब्स में दो दो पॉलिन सॉरी दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजिया सेकेंड माइक्रोस्पोरेंजिया इस वाले लोब में भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया ठीक है तो ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया ठीक है ना इसे हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ एम आई सी आर ओ एस पी आर ई एन जी आई ए माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं ठीक है ना तो जो आप गोल सर्कल स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोनों लोब्स में जो होते हैं वो दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं आ, एंथर के वॉल्स के ठीक है तो एंथर के जो वॉल्स होते हैं वो फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है ठीक है तो एंथर का जो वॉल्ड होता है वो फोर लेयर्ड वॉल्ड होता है द फर्स्ट लेयर जो सबसे बाहर की तरफ लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं आप कलर्ड फिगर में देख सकते हैं बाहर की तरफ में जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है लाइट ब्लू कलर की इस लाइन को हम कहते हैं एपिडर्मिस ये क्या होती है आपकी पूरी कंप्लीट ये देख रहे हैं आप ये पूरी कंप्लीट लाइन जो है दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस ये आपकी क्या कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है ठीक है ना ये सिंगल्स लेयर होती है सिंगल सेल्स की बनी हुई होती एक लेयर सिंगल लेयर होती है और फ्लैट सेल्स की बनी होती है फ्लैट सेल्स आपके क्या होते हैं फ्लैट सेल्स आपने पढ़ा होगा, फ्लैट सेल्स हम किसे कहते हैं आपके स्क्वाइमस सेल्स को कहते हैं ठीक है ठीके? तो स्क्वाइमस सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट इन नेचर होते हैं और आपके एंथर के फर्स्ट वॉल को बनाते है, हैं ठीक है ना जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं ठीक है एपिडर्मिस के बाद में आपकी सेकेंड लेयर स्टार्ट होती है जो कि एंडोथीसियम कहलाती है आप अगर ये रेड कलर की ब्लू uh, कलर की लाइन के बाद में जस्ट uh, अंदर की तरफ में देखिए जो रेड कलर की लाइन दिख रही है इसे हम एंडोथीसियम कहते हैं दिस इज़ ये दिस इज़ कॉल्ड एज यर एंडोथीसियम एंडोथीसीम भी आपके सिंगल लेयर होती है और ये आपके जो होते हैं रेडीली अरेंज इसके जो सेल्स होते हैं वो रेडीली अरेंज होते हैं मतलब कोई एक फिक्स शेप uh, में नहीं अरेंज होते हैं इनके जो अरेंजमेंट होती है वो रेडीली अरेंज होती है और इनके बीच में जो uh, इन सारे इन जो सेल्स एंडोथीसियम के जो सेल्स हैं इनके बीच में जो होती है एक कैलोस की थिकनिंग पाई जाती है ठीक है ना इनकी uh, दो सेल्स के बीच में सपोज सी दिस इज़ आई मैं आपको यहाँ पे एक वॉल करके दिखा देती हूँ यहाँ पे आपका एपिडर्मिस हो गया इसके बाद में आपका एंडोडर्मिस आता है एंडोडर्मिस के वॉल के बीच में यहाँ यहाँ जो बीच बीच का स्ट्रक्चर होता है इनके बीच में यानी दो सेल्स सपोज ये इन सेल्स के बीच में एक थिकनिंग होती है कुछ चीज भरा होता है इसको हम कहते हैं कैलोस इसे हम क्या कहते हैं कैलोस की थिकनिंग होती है तो ठीक है तो एंडोथीसियम के सेल्स के बीच में क्या होता है कैलोस की थिकनिंग होती है कैलोस जो होता है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है ठीक है तो इसकी थिकनिंग होती है थर्ड लेयर जो होती है एंथर की थर्ड वॉल जो होती है वो आपकी मिडिल लेयर कहलाती है आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की इस आ, जो ये डार्क ब्लू कलर का अंदर की तरफ रेड के अंदर की तरफ में जो डार्क ब्लू कलर के आपके जो वॉल सेल्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मिलर मिडिल लेयर ये आपके पेरनकाइमा सेल्स के बने हुए होते हैं और ये थ्री से फोर लेयर स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है ना इनकी जो लेयर होती है वो थ्री टू फोर लेयर्ड होती है ठीक है जैसे कि आपका एपिडर में सिंगल लेयर हो गया एंडोथीसियम सिंगल लेयर हो गया पर जो मिडिल लेयर जो पेरनकाइमा सेल्स के बने होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके थ्री टू फोर लेयर स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है ना इसके बाद आपकी जो थर्ड सॉरी जो फोर्थ लेयर होती है वो आपकी अंदर की तरफ में सबसे अंदर की तरफ में होती है जिसे हम कहते हैं टैपेटम इसे हम क्या कहते हैं टैपेटम कहते हैं ठीक है ब्लैक कलर के आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अंदर की तरफ में ब्लैक कलर का जो सेल्स देख रहे हैं ये जो इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं टैपेटम कहते हैं आप ब्लैक एंड व्हाइट वाले डायग्राम में देखिए जो कॉनिकल सेल्स हैं ये दिख रहे हैं आपको कॉनिकल सेल्स ये कोन लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है ना ये ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं टैपेटम ठीक है ना टैपेटम जो होता है आपका कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये जो आपका माइक्रोस्परेंजिया जो सर्कल दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया के इसके अंदर में प्रेजेंट होता है यानी ये आपकी जो टैपेटम लेयर होती है ये माइक्रोस्पोरेंजिया को ही एक तरीके से डेवलप करता है माइक्रोस्पोरेंजिया को पूरी तरीके से कवर करके रखता है ठीक है तो जो फोर्थ लेयर होती है वो आपकी टैपेटम की होती है टैपेटम जो होता है आपका पॉलीप्लॉइड इन नेचर होता है यानी इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीप्लॉइड होता है और मल्टी न्यूक्लियस यानी कई सारे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना इसका जो फंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है इसका ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रेटिव लेयर होती है टैपेटम जो होता है सबसे ज़्यादा न्यूट्रेटिव लेयर होती है काफ़ी ज़्यादा रिच इन नेचर होती है और ये माइक्रो माइक्रोस्पोर्स को डेवलप करने में हेल्प करती है क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में पाई जाती है ये डेवलप करने में माइक्रोस्पोर्स जो कि आगे चल करके ग्रेन्स बनेंगे उनको डेवलप करने में हेल्प करती है ठीक है ना तो टेपिटम लेयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है इन चारों लेयर्स में ये एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है कैलोज क्या सीक्रेट करती है एंजाइम एक सीक्रेट करती है जिसका नाम कैलोज होता है और ये कैलोज ही आपका एंडोथीसियम में जा कर के दो एंडोथीसियम के सेल्स पे जा कर के इकट्ठा हो जाता है ठीक है ना कैलोज का काम क्या होता है क्यों ये इसको डेवलप करती है कैलोज जो होता है वो हेल्प करता है माइक्रोस्पोर्स जब बने जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ठीक है माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनको अलग अलग करके पॉलिन ग्रेन में चेंज करने में हेल्प करता है कैलोस ठीक है ना तो टैपेटम लेयर जो होती है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है कैलोस ये कैलोस जो होता है माइक्रोस्पोर्स को अलग अलग करके पॉलिन ग्रेन में चेंज करने में हेल्प करता है ठीक है ना तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये क्या करता है कि इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये एक लिपिड प्रोड्यूस करता है जो जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन क्या नाम होता है स्पोरोपोलिनिन सो आई रिपीट अगेन so, टैपेटम लेयर जो होती है एक तरीके का लिपिड प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पोरोपोलिन जो होता है वो आपके वर्ल्ड का सबसे स्ट्रोंगेट स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल होता है जिसको कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता ये इतना स्ट्रांग होता है कि आप चाहे हथौड़ा हाँ लेकर के भी इसको ठोक दीजिए ये टूटेगा नहीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है स्पोरोपोलिन आप अभी ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो जनरली अब यूज़ किया जाता है मेडिसिन uh, में भी यूज़ किया जाता है आप देखते होंगे कि जितने भी आपके मल्टीविटामस होते हैं या आपके न्यूट्रिटिव टैबलेट्स होती हैं जैसे कि एमवेज यूज़ कर रहा है इसको वेस्टीज कंपनी ये सब क्या यूज़ कर रहे हैं इसी स्पोरोपोलिन को यूज़ करके टैबलेट्स बना रहे हैं ठीक है ना जो कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है ठीक है तो स्पोरोपोलिन का, का काम क्या होता है ये जो आपका पोलिन ग्रेन का जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है एग्ज़ाइन अभी आप आगे पढ़ेंगे जो एग्जाइन पार्ट होता है उसको बनाने में हेल्प करता और है और एग्जाइन को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है ठीक है एग्जाइन को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता ठीक है तो आ, ये हेल्प करता है एग्जाइन ग्रेन के एग्जाइन पार्ट को डेवलप करने में ठीक है तो दिस इज़ कॉल्ड एज टैपेटम टैपेटम के मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये कैलोज डेवलप करता है कैलोज हेल्प करता है माइक्रोस्पोर्स को अलग करके पोलिन ग्रेन बनाने में सेकेंड ये स्पोरोपोलिन को प्रोड्यूस करता है स्पोरोपोलिन सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है जो कि एग्जाइन को बनाने में डेवलप करने में हेल्प करता है थर्ड ये आपका न्यूट्रेटिव लेयर होता है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें होता है माइक्रोस्पोर्स को जो बनाने डेवलप करने में हेल्प करता है ठीक है तो आपने फोर वॉल्स पढ़े फोर लेयर्स पढ़ी आपने आंथर की पहला लेयर है आपका एपिडर में सेकेंड लेयर है आपका एंडोथीसियम थर्ड लेयर आपकी होती है मिडिल लेयर जो कि पैरेंटाइमा सेल्स की बनी होती है फोर्थ लेयर होती है आपकी टैपेटम जो कि कॉनिकल सेल्स की होती है और ये माइक्रोस्पो सॉरी जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो सर्कल आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे कि जो एंथर के जो एंथर के अंदर में यानी लोब्स के अंदर में जो सर्कुलर पार्ट होता है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं ये आपके बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसा कि झोला होता है ना झोले के अंदर हम काफ़ी सामान भर देते हैं वैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया भी होता है इसके अंदर में काफ़ी चीज़ें रहती हैं और क्या होती हैं आगे हम चल करके देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया जो डेवलप होती है उसके माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ में आपकी फोर्थ लेयर लेयर जो जो होती 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 है 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 एंथर की वो टैपेटम कि बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है ठीक है ना अच्छा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में छोटे छोटे सेल्स आप देख रहे हैं यहां ये यह छोटे छोटे सर्कुलर ये दिस इज छोटे छोटे सेल्स देख रहे हैं ब्लैक कलर के दी सेल्स आर कॉल्ड एज आरकी सेल्स इसे हम क्या कहते हैं आरकी सेल्स इन सेल्स को हम क्या कहते हैं ए आर सी एच ई आर की पोरियम सेल्स इन्हें हम क्या कहते हैं आर्कीपोरियम सेल्स कहते हैं ठीक है ना? ये सेल्स का काम क्या होता है ये सेल्स आगे चल कर के पॉलेंड ग्रेन में डेवलप होते हैं ठीक है आगे चल कर किस में डेवलप होते हैं पॉलेंड ग्रेन में डेवलप होते हैं ठीक है तो जब सेल्स एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं आर्किपोरियम सेल्स कहते हैं और आगे चल के यही आर्किपोरियम सेल्स आपके ग्रेन में चेंज हो जाएंगे ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्या, आपकी कैलोस की थिकनिंग होती है दूसरा आपका स्पोरोपोलिन इसमें डेवलप होता है जो कि आ, बहुत स्ट्रांग मटेरियल होता है और वो ईजिली वॉल को तोड़ने नहीं देता ठीक है ना अब कैलोस का काम क्या होता है कैलोस जो होता है वो एंडोथीसियम में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और एंडोथीसियम की वॉल को बहुत ही ज़्यादा टफ और रिजिड बना देता है ठीक है ना जिससे कि उसे ईजली ब्रेक नहीं किया जा सकता ठीक है सिर्फ एक आ, ये आपका एक पार्ट कहलाता है जिसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ डेहसेंस इसे हम क्या कहते, है, कहते हैं पार्ट ऑफ डेहसेंस कहते हैं इसी पार्ट में जो आपका स्ट्रक्चर आपका जो आ, ये आ, ये पार्ट जो है दिस इस दिस पार्ट ये आपका जो डिप्रेशन पार्ट है ये आप देख रहे हैं ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ डेहेसेंस इसे हम क्या कहते हैं पार्ट ऑफ डेहसेंस डी ई एच एस ई एन ई एस ई एन सी ई इसे हम क्या कहते हैं पार्ट ऑफ डेहसेंस कहते हैं ठीक है ना जब ये कम्प्लीट ये कोई आपकी जो ये पूरी वॉल दिख रही है ये इतनी स्ट्रांग होती है ये एंथर की वॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको ईजिली ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कैलोस की इतनी ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है जो कि पूरे वॉल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बहुत ज़्यादा रिजिड और टफ़ बना देती है ठीक है तो सिर्फ ये पार्ट जो आपका ये पार्ट ऑफ डेसेंस है दिस पार्ट ये पार्ट ही सिर्फ ऐसा होता है जो कि आ, आपका सॉफ्ट होता है ठीक है ना ये पार्ट आपका ब्रेक करेगा टूटेगा और उसके बाद फिर जो आपके म, आपके ये जो माइक्रो आर्किगोनियल सेल्स होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर से बाहर आ जाएंगे ठीक है ना जब आपका ये पार्ट पार्ट ऑफ डेहसेंस ब्रेक करेगा तो अंदर का जो मटेरियल होता है जिसके थ्रू आपका ग्रेन्स को बाहर ले करके आना है या आप कह सकते हैं आर्किगोनियल सेल्स को बाहर ले करके आना है वो सिर्फ आपके इसी पार्ट से पार्ट ऑफ डेहसेंस से ही बाहर आ सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंथर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंथर का दिस इज ऑल अबाउट एंथर ये आपका एंथर के बारे में सब चीज़ था एक बार मैं और रिपीट कर सकती कर देती हूँ एंथर जो होता है आपका अगर मैं बा, बाई एंथर की बात करूँ तो बाईलोब्ड एंथर में ईच लोब में हर एक लोब में दो ठोक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जिससे कि जिसके अंदर में आर्किगोनियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं जब एंथर आपका मैच्योर नहीं होता है तो उस समय उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं पर जैसे ही एंथर आपका मैच्योर हो जाता है बड़ा हो जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो उसको अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया ना कहकर के अब हम उसे पॉलिन सैक कहेंगे ठीक है ना तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है एंथर का इसके अंदर में मैंने कहा कि फोर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं जब एंथर आपका मैच्योर नहीं है तो जैसे ही एंथर आपका बड़ा हो जाता है मैच्योर हो जाता है तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया को चेंज होकर हम कहेंगे पोलेंसैक क्या कहेंगे पॉलेंसैक कहेंगे ठीक है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में छोटे 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 से सेल्स पाए जाते हैं ये सेल्स आपके कहलाते हैं आर्की सेल्स इन्हें हम क्या कहते हैं आर्की आर्की सेल्स कह सकते हैं आप आर्की गोनियल सेल्स कह सकते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं आर्की आर्कीपोरियम सेल्स कहते हैं ये आर्की पोरियम सेल्स जैसे ही आपका आ, एंथर मैच्योर होता है तो ये आर्की पोरियम सेल्स चेंज हो जाते हैं पॉलिन ग्रेन में किस में चेंज जाते हैं पॉलिन ग्रेन में ठीक है तो दो चेंजेस हमें देखने को मिली जब एंथर आपका बेबी एंथर होता है तो आपके एंथर के लोब्स में बैग लाइक -like स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं जो कि एंथर के मैच्योर के होने के बाद में सैक में चेंज हो जाते हैं एंड उन पॉलिन उन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि आर्की आर्किसपोरियम सेल्स कहलाते हैं और जब एंथर मैच्योर हो जाता तो वो कहलाते हैं पॉलिन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं ठीक है तो आ, यह आपका अंदर की चीज़ हो गई ठीक है तो एंथर वॉल जो होता है वो फोर लेयर में स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है सेकेंड लेयर एंडोथीसियम होती है थर्ड लेयर आपकी मिडिल लेयर होती है फोर्थ लेयर टैपेटम होती है टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है सबसे पहला क्योंकि ये कैलोस को डेवलप करती है कैलोस जो होता है बहुत आपके जो एंथर के वॉल को टफ बनाने में हेल्प करता है सेकेंड ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है थर्ड ये आपके स्पोरोपोलिन को डेवलप करती है स्पोरोपोलिन एग्जाइन को पोलिन ग्रेन जो होता है उसके एग्जाइन पार्ट को यानी आउटर लेयर को डेवलप करता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा टफ बनाता है ठीक है ना तो आ, जो आपके लोब्स होते हैं आंथर के वो दोनों लोब्स जो होते हैं वो एक पार्ट से अटैच्ड होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कनेक्टिव इसे हम क्या कहते हैं कनेक्टिव कहते हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोलेंड एंथर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज क्लियर टू यू आपको क्लियर हो गया पार्ट ऑफ डेहसेंस जो होता है वो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है पूरे एंथर का जो कि क्योंकि पूरा एंथर की बॉल आपकी ब्रेक नहीं कर सकती है तो पार्ट ऑफ डेहसेंस जो होता है वो ब्रेक कर जाता है और जो अंदर के पॉले आर्किगोनियल सेल्स जो कि पॉलन ग्रेन में डेवलप होते हैं पॉलनग्रेन जो होते हैं वो सिर्फ यहीं से आपके जो अंदर का मटेरियल है वो सिर्फ यहीं से बाहर आ सकता है ठीक है तो यह जो अंदर के सेल्स होते हैं वो पार्ट ऑफ डेहसेन्स से ही बाहर आते हैं ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दिस इज ऑल अबाउट एंथर ओके द नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है इसमें क्या होता है एंथर जैसे ही आपका मैच्योर होना अब इससे पहले आपने एंथर के बारे में पढ़ा हुआ है अब एंथर की जो मैच्योरिटी होती है मैच्योर होने के प्रोसेस को और आर्किगोनियल सेल्स को पॉलिन ग्रेन में डेवलप करने के प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ठीक है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल ऑर्गन सॉरी मेल ऑर्गन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल ऑर्गन से जो कि हमारा एंथर था एंथर हमारा मेल ऑर्गन कहलाता है मेल ऑर्गन में पॉलिन ग्रेन्स को डेवलप करने के प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसे हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि पोलिन ग्रेन जहाँ पे डेवलप हो रहा है इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं ठीक है ना तो जैसे ही आपका एंथर मैच्योर होता है इससे पहले आपने एंथर के बारे में पढ़ा तो ये आपका एंथर जैसे ही मैच्योर हो जाएगा सपोज दिस इज योर एंथर अब ये एंथर आपका अगर मैच्योर हो गया तो ये जो आपके माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम थे ये डेवलप हो जाएंगे पॉलिन सैक में अब हम इसे क्या कहेंगे पॉलिन सैक कहेंगे ठीक है तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है क्योंकि एंथर आपका क्या हो गया वो मैच्योर हो गया ठीक है तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो साइज़ में इंक्रीज कर जाता है जिसके कारण में इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं अब जब आपका साइज में इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर के जो सेल्स जो बहुत टाइटली पैक्ड थे वो क्या हो जाएंगे अब लूज़ हो जाएंगे अब क्या हो जाएंगे वो लूज होकर के अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे ठीक है ना तो जैसे ही वो लूज़ होकर के अलग अलग होना शुरू करते हैं तो अब हम इस स्टेज को इस स्टेज को इस सर्कल को हम कहेंगे सैक हम इसे क्या कहेंगे सैक कहेंगे इससे पहले हम इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते थे जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम आपका मैच एंथर आपका मैच्योर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में साइज में बड़े हो जाते हैं बड़े होने के बाद में इनके अंदर में जो आर्किगोनियल सेल्स थे वो क्या होते हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं अलग अलग होने लगते हैं और ये आपका कहलाता है अब हमारा ये स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉलन सैक ठीक है sack, ना हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा पॉलन सैक कहलाएगा ठीक है, कहला है जो सेल्स हैं आपके अब द सेल्स आर नाउ केपेबल टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर ठीक है ना अब ये जो आपके आर्किगोनियल सेल्स थे इसके अंदर में जो आर्किगोनियल सेल्स थे अब ये क्या करेंगे ये अब प्रोड्यूस करेंगे आपके माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे ठीक है ना ये क्या करेंगे माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे पर सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स पॉलिनग्रेन को नहीं बनाते हैं कुछ माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाते हैं वो आपके डिजनरेट हो जाते हैं और बहुत कम माइक्रोस्पोर्स जो बचते हैं वही सिर्फ पॉलिनग्रेन को डेवलप करते हैं ठीक है टीके? तो सारे के सारे क्या कई कई सारे क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाते हैं ठीक है टीके? तो जैसे ही आपका ये सपोज अब हम एक पॉलिन सैक के लेकर के स्ट्रक्चर चल रहे हैं एक आपका ये पॉलिन सैक है इसके अंदर में सेल्स जो हैं आर्किगोनियल्स के अब वो दूर दूर हो गए हैं अब एक सेल को अगर हम ले लें एक सेल को अगर हम ले लें ये सेल ठीक है ना हमने ये सेल लिया आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक सेल लिया वो ठीक है ना एक आर्किगोनियल सेल्स के अंदर में छोटे छोटे कई सारे सेल्स होते हैं ठीक है ना जिसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं क्या है। कहते हैं हम इसे माइक्रोस्पोर्स कहते हैं ठीक है जिसमें से एक माइक्रोस्पोर को हम सेलेक्ट करेंगे कोई सा भी एक माइक्रोस्पोर जो होता है वो डेवलप करता है बाकी जितने माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं गायब हो जाते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एक हमने पॉलन सैक को लिया है इस पॉलन सैक के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे आर्किगोनियल सेल्स हैं इन आर्किगोनियल सेल्स के अंदर में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये ये आपके क्या हैं आर्किगोनियल सेल्स हैं आर्किगोनियल सेल्स एक आर्किगोनियल सेल को हमने बाहर ले लिया है अब ये आर्किगोनियल सेल्स के अंदर में ये प्रेजेंट क्या है आपका माइक्रोस्पोर्स इसको क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर्स कहते हैं ठीक है ठीके? बहुत सारे माइक्रोस्को स्पोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ एक माइक्रोस्को स्पोर जो होता है वो डेवलप करता है बाकी सारे क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाते हैं तो एक माइक्रोस्पोर आप देख रहे हैं डार्क कलर का ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर ये माइक्रोस्पोर जो होता है वो बाहर आता है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल एक माइक्रोस्पोर को अगर हमने बाहर ले लिया ये आपका माइक्रोस्पोर हो गया ठीक है अब ये आपका कहलाएगा एम एम सी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल अब हम इसे क्या कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे ठीक है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है कैसा होता है डिप्लॉयड इन नेचर होता है अब इसमें क्या होगा इसमें आपका मियाटिक डिवीजन यानी मियोसिस मियोसिस आप जानते हैं ना एक आ, पेरेंट सेल डिवाइड होकर के फोर डॉटर सेल्स देता है ठीक है तो वैसे ही इसमें क्या होगा आपका फोर डॉटर सेल्स में आपका डेवलप होगा ठीक है तो एक सेल जो है आपका जो माइक्रोस्पोर माई, मदर सेल है ये क्या होगा माइक्रोस्पोर एमएमसी ये आपका इसमें आपका मियोसिस डिवीजन होगा ठीक है ना मियोसिस डिवीजन के बाद में ये आपका डेवलप हो जाएगा फोर पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा ठीक है ये आपका फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इसे हम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड इसको हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड टी ई टी आर ए डी टेट्राड टेट्राड क्यों कहते हैं टेट्राड का मतलब होता है फोर ठीक है तो एक माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन के बाद में फोर माइक्रोस्पोर टेटराड में चेंज हो गया अब ये जितने भी फोर माइक्रोस्पोर हैं ये सारे के सारे कैसे हैं हैंप्लॉयड इन नेचर होते हैं कैसे होते हैं हेप्लॉयड इन नेचर होते हैं ठीक है ना तो जैसे ही माइक्रोस्पोर अब हमको टेट्राइड मिल गया ये टेट्राड जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं क्या होते हैं एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं ठीक है ना फिर इनको अब हम क्या कहेंगे ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हमको मिल गया तो हमें फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्कोर्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं अब इनमें क्या होगा माइटोसिस डिवीजन इसमें स्टार्ट होगा अब ये माइटोसिस डिवीजन होने के बाद में क्या होते हैं ये अलग अलग चारों अलग अलग हो जाते हैं ठीक है ना चारों क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं माइटोसिस डिवीजन जो होता है इसमें किस तरीके से होता है आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि किस तरीके से माइटो माइटोसिस डिवीजन होकर के ये अलग अलग होते हैं तो यहाँ तक हमने माइक्रोस्पोरिजेनिस का जो प्रोसेस है उसमें हमने देखा कि एंथर बॉल एंथर बॉल के अंदर में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम आर्किगोनियल सेल्स कहते हैं ठीक है ना जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है साइज में बड़ा होता है तो आर्किगोनियल सेल्स जो होते हैं वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं अलग अलग होने लगते हैं ठीक है ना अलग होने के बाद में अब आ, हम एक सेल को उसमें से एक आपका हर एक सेल में प्रोसेस होगा तो एक सेल को हम ले ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेल में होगा आर्के गोनल के हर एक सेल में आर्की गोनेल के जितने सेल्स से हैं सब में ये प्रोसेस होगा तो हम एक सेल को लेकर के आपको दिखा रहे हैं कि एक सेल को हमने बाहर ले लिया है आर्कीगोनियल सेल्स को जब हम जूम करके देखेंगे तो ये आपका आर्कीगोनियल सेल्स को जब आप जूम करके देख रहे हैं तो इसमें जो है आपको बहुत छोटे छोटे से सेल्स दिखेंगे जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स क्या कहते हैं इसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं ठीक है ना सारे माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डी हो जाएंगे जिसमें से सिर्फ एक बचेगा एक को छोड़ करके बाकी सारे माइक्रोस्पोर्स डी हो जाएंगे गायब हो जाएंगे और एक माइक्रोस्पोर जो बचेगा उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कहेंगे उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे ठीक है ना ये आपका डिप्लॉयड इन नेचर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब मियोसिस डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन के बाद में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होगा वो फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जो कि अब कहलाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड इसे हम क्या कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड और इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहाइड्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं क्या कहते हैं टेट्राहाइड्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है ट्हुना। अब टेट्राड जो आप ये फिगर देख रहे हैं सिर्फ इसी तरीके का नहीं तो टेटराट जो होते हैं आपके फोर टाइप्स के होते हैं ठीक है ना आप फोर स्ट्रक्चर्स में होते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको पहचानते हैं कि कैसा होता है जैसा कि एक स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिल रहा है ऐसे तीन और स्ट्रक्चर होते हैं अब हम इसको देख लेते हैं टेटराड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टेटराट्स पहला है आपका टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल जो होता है इसमें क्या होता है आपका एक सेल के अंदर में इस तरीके से वन टू थ्री फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया सेकेंड न्यूक्लियस हो गया थर्ड न्यूक्लियस हो गया और जो फोर्थ न्यूक्लियस होता है वो उसके पीछे की तरफ में प्रेजेंट होता है ठीक है ना इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल इसे हम क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है टेट्राड कहते हैं सेकेंड होता है आपको आ, होता है आपका आइसो बाइलेट्रल इसमें क्या होता है आपका एक माइक्रोस्पोर मदर सेल फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिसमें कि आपके फोर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं यानी फोर टेट्राड्स पहला दूसरा तीसरा और चौथा ठीक है ना ये टेट्राड्स हो गया थर्ड होता है आपका डेक्यूसेटे डेक्यूसेटे में क्या होता है डेक्यूसेटे में आपका ज, आ, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो आ, एक कंप्लीट एक काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ठीक है दो छोटे छोटे से होते हैं ये आपके क्या होते हैं दो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं और जो थर्ड होता है वो क्या क्या होता है आपका थर्ड जो होता है वो आपका कुछ जो सॉरी जो फोर्थ वाला होता है वो आपके कुछ इसी के नीचे में इसी के नीचे की तरफ में प्रेजेंट होता है ठीक है ना इसे हम कहते हैं जस्ट पीछे की तरफ में आपको क्लियर आगे से नहीं दिखता है पीछे की तरफ से थोड़ा सा नीचे की तरफ में प्रेजेंट होता है जिसे हम डेक्यूसेटे कहते हैं ठीक है इसे हम क्या कहते हैं डेक्यूसेटे कहते हैं जो आ, फोर्थ आपका होता है टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसके नीचे दो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है ना ये फोर्थ ये भी आपका टेट्राड ही बना रहा है चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये आपका टी शेप्ड स्ट्रक्चर कहलाता है फोर्थ होता है आप फिफ्थ होता है आपका लीनियर ये आपका जैसे कैटरपिलर आपने देखा एक ही सेल जो होता है वो चार पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ठीक है ना चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये आपका लीनियर कहलाता है ठीक है तो ये आपके टाइप्स ऑफ टेट्राट्स होते हैं जो कि एनजियो में देखे जाते हैं जनरली हमेशा अक्सर जो, जो होता है वो आपका आइसो बायोलेट्रल जो होता है इसी तरीके का स्ट्रक्चर देखा जाता है ज्यादातर टेट्राट जो बनता है वो आइसो बायोलेट्रल ही बनता है हम ज्यादातर हमें यही देखने को मिलता है ठीक है तो हमने पीछे वाले में हमने देखा था कि हमें क्या था कि टेट्राड हमें स्ट्रक्चर मिल गया था ये आपका आइसो तो बायोलेट्रल सॉरी ये आपका आइसो तो बायोलेट्रल टेट्राड आपको तो जो है आइसो तो बायोलेट्रल तो टेट्राड आपको मिल गया था कितने तरीके के टेट्राड होते हैं मैंने आपको दिखा दिया कि फाइव टाइप्स के टेट्राड्स तो होते हैं आपके लीनियर डेक्यूसेटे बाई आइसोबायोलेट्रल एंड आपके जो और ये आइसोबायोलिट्रल टेट्राहाइड्रल हो गया आपका ठीक है ना तो ये सब आपके क्या होते हैं जनरली आपके फाइव टाइप्स के टेट्राड्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में पाए जाते हैं पर जनरली जो होता है एन में हम देखते हैं जो ज़्यादातर पाया जाता है वो आपका आइसोबायोलिट्रल टेट्राड होता है ठीक है टेट्राड स्ट्रक्चर तक हमें समझ में आ गया कि एंथर से अब हमें टेट्राड तक हमें मिल गया है ठीक है ना अब ये जो प्रोसेस आगे जो होगा कि टेट्राड से अब हमें जो टेट्राड टे टे मिला माइक्रोस्को टेटराड मिला इसमें से हम पोलिन ग्रेन में कैसे ये डेवलप होता है ये अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये डेवलप कैसे होता है पोलिन ग्रेन में ठीक है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस आपको समझ में आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है एंथर की वॉल में चार आपके पोलिन सैक्स होते हैं चारों में ये चारों पोलिन सैक्स में चारों माइक्रोस्पोर एंजियम में ये प्रोसेस होता है मैंने एक में करके आपको दिखाया है इसका मतलब ये नहीं है कि चारों में नहीं होता हर में बिल्कुल बराबर से सब चीज़ें होती हैं इक्वली अमाउंट में सारे प्रोसेस होते हैं ठीक है ना सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन ठीक है ना पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है अब आपने इससे पहले टेट्राड आपने देखा था कि आपको टेट्राड मिला था ठीक है ना एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिजन के बाद में मियोसिस डिवीजन के बाद में आपको माइक्रोस्पोर्ट टेट्राड दे रहा था ठीक है ना ये माइक्रोस्पोर्ट टेट्राड जो होता है अलग अलग इस क्या हो जाता है ये अलग अलग होने लगता है क्यों अलग अलग होने लगता है आपने जब एंथर का स्ट्रक्चर जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि कैलोस जो होता है जो आपका फोर्थ लेयर होती है टैपेटम वो कैलोस को डेवलप करता है ठीक है ना कैलोज हेल्प करता है टेट्राड के स्ट्रक्चर्स को अलग अलग करने में ठीक है तो यहाँ पे आ, आपका जो टैपेटम लेयर थी वहाँ से क्या होगा कैलोस का सीक्रीशन होगा कैलोस के सीक्रीशन की वजह से ये आपके जो होंगे ग्रेन्स वो अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में जो बंधे हुए थे जो एक दूसरे के साथ में चिपके हुए थे वो क्या हो जाएंगे आप अलग अलग हो जाएंगे ठीक है ना तो पॉलिन ग्रेन जो होता है वो आपका क्या होता है ग्रेन जैसे ही आपका अलग हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा फोर माइक्रोस्पोर्स अब जो आपको ये मिल सॉरी जो आपका माइक्रोस्पोर टेट्राट जैसे ही आपका अलग अलग हो जाता है तो आपको क्या दे रहे हैं ये फोर माइक्रोस्पोर्स दे रहे हैं तो ये आपके क्या हैं फोर माइक्रोस्पोर्ट्स ये आपको क्या दे रहे हैं फोर माइक्रोस्पोर्स दे रहे हैं अभी भी हमें ग्रेन नहीं मिला है ठीक है अभी हमें क्या मिला फोर कैलोस uh, की वजह से हमें जो टेट्राड स्ट्रक्चर था जो आपस में जॉइंट था वो हमें टूट uh, करके अलग अलग होकर के फोर माइक्रोस्पोर्स मिल गए ठीक है ना अब ये फोर माइक्रोस्पोर्स जो होंगे विल प्रोड्यूस अब ये बड़े होंगे विल गिव राइज टू ग्रेन ये क्या करेंगे ग्रेन को बनाएंगे ठीक है ना ग्रेन आपका क्या होता है पोलिन ग्रेन जो होता है आपको मिलेगा ये माइक्रोस्पोर जो होंगे अब चेंज हो जाएंगे ग्रेन में ठीक है ना इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे अब ये जो माइक्रोस्पोर जो आपके अलग अलग टेटार्ड स्ट्रक्चर जो मिले थे ये आपके पोलिन ग्रेन में चेंज होने में इसमें क्या होगा ये आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं पोलिन ग्रेन का ये एक एक माइक्रोस्पोर को अब हम क्या कहेंगे पोलिन ग्रेन ये आपके ये पोलिन ग्रेन कहलाएगा ये पोलिन ग्रेन कहलाएगा ये पोलिन ग्रेन ये पोलिन ग्रेन ठीक है ना तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा ठीक है पॉलिन ग्रेन जो होता है वो आपका डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसमें जो होती है डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है तो पॉलिन ग्रेन के जो अंदर की तरफ में जो ग्रेन होता है पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है ये आपका ठीक है ना किसका बना होता है अंदर की तरफ में क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर में आपकी एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं इंटाइन इसे हम क्या कहते हैं इंटाइन कहते हैं ठीक है ठीके? जो अंदर वाली लेयर होती है ये आप देख रहे हैं अंदर वाली लेयर जो होती है इसे हम इंटाइन कहते हैं इसके बाहर में एक और लेयर होती है जो कि इनकम्प्लीट होती है यानी पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं होती है देख रहे हैं आप बीच बीच में गैप्स हैं इनके ठीक है ये आपकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है जिसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एग्जाइन इसे हम क्या कहते हैं एग्जाइन कहते हैं जो कि इनकम्प्लीट लेयर होती है ठीक इस है इसे हम एग्जाइन कहते हैं कि कंप्लीट एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई नहीं तो बीच बीच से ब्रेक होती है ठीक है ना जहाँ जहाँ से ब्रेक होती है इस स्ट्रक्चर को हम ये जो बीच के गैप्स हैं इसको हम कहते हैं जम पोर इसे हम क्या कहते हैं जम पोर कहते हैं जम पोर कहते हैं इसमें ब्रेक क्यों होता है एग्जाइन आपकी कंप्लीट क्यों नहीं होती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जाइन जो होती है किसकी बनी हुई हो होती है स्पोरोपोलिडिन की बनी होती है स्पोरोपोलिडिन बहुत स्ट्रांग मटेरियल होता है जिसको ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते अब क्यों एग्जाइन अगर पूरी कंप्लीट लेयर होती है और ब्रेक ना हो पाती तो अंदर का जो गैमेट है जो मेल गैमेट बनेगा वो क्या होगा वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा ठीक है ना अंदर का जो मेल गैमेट बनेगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा इसके लिए एग्ज़ाइन क्या है बीच बीच से ब्रेक की हुई है और ब्रेक करने के बाद में जो बीच बीज का पार्ट होता है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं वहीं से अंदर का जो मटेरियल होता है पॉलिन ग्रेन के अंदर का जो मटेरियल होता है जो मेल गैमेट होते हैं वो उसी जर्म पोर के थ्रू बाहर आएंगे क्योंकि एग्जाइन को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है ठीक है ना तो पोलिन ग्रीन के अंदर में क्या होता है सबसे अंदर में पूरा का पूरा प्लाज्मा भरा होता है जो कि जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं आपका जो सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है ठीक है ना फिर उसके बाद उसके ऊपर की तरफ में यानी उसके बाहर की तरफ में एक लेयर होती है जिसे हम इंटाइन लेयर कहते हैं इंटाइन जो होती है इंटरनल लेयर होती है उसके ऊपर में अच्छा इंटाइन लेयर जो होती है वो आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टीन ठीक है ना जो इनर लेयर होती है इंटाइन या तो किसकी बनी हुई होती है सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी हुई होती है ठीक है बाहर वाली जो लेयर होती है एग्जाइन जो जो कि आपकी स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है और बहुत ज़्यादा टफ होती है और स्पोरोपोलिन कहाँ से बन रहा था आपके टैपेटम लेयर से बन रहा था ठीक है ना तो ये आपका एग्जाइन का स्ट्रक्चर होता है ठीक है एग्जाइन के अंदर में जो होता है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं ठीक है ठीके? ये न्यूक्लियस होता है अच्छा अब इसमें क्या होगा इसमें कुछ चेंजेस होंगे इसमें जो चेंज होगा वो ये होगा कि अब ये जो पॉलिन ग्रेन है ये जो पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अभी इसे एग्जैक्टली exactly हम पॉलिन ग्रेन नहीं कहकर के इसे अभी भी हम माइक्रोस्पोर ही कहेंगे अब इसमें एक माइटोसिस डिवीजन होगा इसमें क्या होगा माइटोसिस डिवीजन होगा माइटोसिस माइटोसिस डिवीज़न आपको पता है माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है आपका एक डॉटर सेल जो होगा वो दो डॉटर सेल्स uh, में कन्वर्ट हो जाएगा तो अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाएगा अंदर का न्यूक्लियस होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इसे हम कहेंगे आ, आ आपका आ, अब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका पॉलिन ग्रेन में चेंज होने के लिए रेडी हो रहा है ठीक है आई कैन शो यू दिस थिंग ये आपका पॉलन uh, ग्रेन का स्ट्रक्चर है दिस इज़ कॉल्ड एज ये आपकी इनर लेयर है ठीक है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है इसके अंदर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है बाहर की तरफ में इंटाइन लेयर है उसके बाहर की तरफ में ये इनकम्प्लीट एग्जाइन लेयर होती है ठीक है इसे हम क्या कहते हैं एग्जाइन कहते हैं ठीक है ना ये आपका स्ट्रक्चर अभी पॉलन ग्रेन का आपने पढ़ा ये आपकी एग्जाइन लेयर है ये आपकी इंटाइन लेयर है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ में न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड जो ये गैप्स हैं इसे हम जम्प और कहते हैं ठीक है ना अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा एक माइटोसिस का डिवीजन होगा आफ्टर द माइटोसिस डिवीजन इसमें क्या होगा कि माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा जो अंदर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा ठीक है ना हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर को मैं आप सिर्फ आपको अंदर वाले प्लाट में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो न्यूक्लियस होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ठीक है ये आपका दो पार्ट में न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो जाएगा ठीक है देन इसके बाद जो होगा ये पूरा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका डिवीजन होगा जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होगा तो ये अनईक्वल डिवीजन होगा ये आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया अब इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिवाइड डिवीजन होगा पहले कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है ना कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है ठीक है तो तो जैसे ही साइटो प्लाज आपके दो पार्ट में डिवाइड होगा तो इसमें क्या होगा ये साइटो प्लाज इक्वल डिवीजन अन होगा इसमें क्या होगा एक पार्ट जो होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो हो जाएगा वो आपका छोटा हो जाएगा ठीक है इंटाइन लेयर के अंदर में एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा दूसरा पार्ट जो होगा वो छोटा हो जाएगा ठीक है ये आपके मेल गैमेट्स हो गए ठीक है ना जो आपका जो बड़ा वाला पार्ट है जो बड़ा पार्ट है इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल इसे हम क्या कहेंगे वेजिटेटिव सेल कहेंगे मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ वेजिटेटिव सेल कहेंगे या फिर आप इसे कहेंगे ट्यूब सेल इसे हम क्या कहेंगे ट्यूब सेल भी कहेंगे ठीक है ना जो छोटा वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे जेनरेटिव सेल इसे हम क्या कहेंगे जेनरेटिव सेल कहेंगे ठीक है ना इसे हम क्या कहेंगे जेनरेटिव सेल कहेंगे ठीक तो पॉलिन ग्रेन में जो कि हेप्लॉयड इन नेचर है वो माइटोटिक डिविजन के थ्रू आ, 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 आपके दो अनक्वल डिवीजन में इसमें क्या होगा आपका दो अनईक्वल डिवीजन का पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होगा वो अनिक्वल डिवीजन होगा एक पार्ट जो होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा लार्ज रहेगा और दूसरा पार्ट आपका छोटा रहेगा ठीक है तो जो बड़ा वाला पार्ट रहेगा उसे हम वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल कह रहे हैं और ये आपका जो होता है वो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा तो ये जो वेजिटेटिव सेल है जो बड़ा वाला पार्ट है वो क्या आगे चल करके क्या बनाएगा पॉलन ट्यूब ठीक है ना पोलन ट्यूब आपको पता ये ट्यूब के थ्रू ही जो मेल गैमेट्स होंगे वो फीमेल के पास तक पहुंचेंगे ठीक है ना तो वेजिटेटिव सेल आगे चल करके क्या बनाएगा पॉलन ट्यूब में डेवलप होगा ठीक है और जो स्मॉलर पार्ट है जो स्मॉल छोटी वाली जो पार्ट है वो उसको आपका क्या कहेंगे जेनरेटिव सेल कहेंगे उसे हम क्या कहते हैं जेनरे सेल कहते हैं ठीक है ना अच्छा जो आपका जो बड़ा वाला पार्ट है वेजिटेटिव सेल जो है वो आपका बना होगा कैलोस का किसका बना होगा कैलोस का बना होगा ठीक है ना तो आफ्टर सम टाइम जैसे कि आ, ये जो इसका जो बड़ा वाला पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा कैलोज सेल का बना हुआ ठीक है अच्छा कुछ देर बाद इस तरीके से सेम हर वक्त नहीं रहता अलग अलग नहीं रहते कुछ समय बाद ही ये जो छोटा वाला सेल है छोटा वाला जो पार्ट है जिसे हम जनरेटिव सेल कह रहे हैं ये क्या होगा वेजिटेटिव सेल के अंदर में चला जा जाएगा ठीक है ना ये क्या करेगा जेनेटिव सेल के अंदर में चला जा जाएगा ठीक है तो ये क्या आ ये जो होगा वो छोटा सा स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होगा अब ये चेंज होकर के इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका ये वेजिटेटिव सेल है इसी में छोटा सा एक छोटा सा स्पिंडल लाइक ये आपका जेनरेटिव सेल जो होगा वो फ्लोट करेगा ठीक है तो ये आपका वेजिटेटिव सेल हो गया वेजिटेटिव सेल के अंदर में छोटा सा ये जेनरेटिव सेल जो है वो आपका फ्लोट करेगा ठीक है ना तो सो जो कुछ समय बाद में आफ्टर सम टाइम द स्मॉल सेल जो कि स्पिंडल शेप में में चेंज हो जाएगा विल फ्लोट इन लार्ज सेल एज दैट दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल ये जो छोटा वाला सेल था जो कि स्पिंडल शेप में था कुछ देर बाद वेजिटेटिव सेल के साथ ही उसके अंदर चला जाएगा और उसी के अंदर पे फ्लोट करेगा जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं ठीक है ना तो जेनरेटिव सेल में क्या होगा ये जनरेटिव सेल जो होंगे आपके मेल गैमेट्स में चेंज हो जाए इसके जनरेटिव सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है ये आपका क्या होगा मेल गैमेट्स ये आपका कहलाएगा मेल गैमेट इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ये आपका क्या है इसके अंदर का जो आपका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस वो आपका मेल गैमेट कहलाता है क्या कहलाता है मेल गैमेट ठीक है वेजिटेटिव सेल के अंदर का न्यूक्लियस आप मेल गैमेट नहीं कहेंगे जनरेटिव सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है जो आपको छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर ये आपको क्या बनाएगा आगे चल करके मेल गैमेट में डेवलप होगा ठीक है ना तो जैसे ही मेल गैमेट आपका डेवलप हो जाएगा तो ये आपका कंप्लीट पॉलिन ग्रेन में चेंज हो जाएगा अब मैं अगर आपको पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ तो पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा ये आपका अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है छोटा सा पार्ट जो है वो आपका जनरेटिव सेल कहलाएगा बड़ा पार्ट आपका वेजिटेटिव सेल कहलाएगा ठीक है इसके बाहर की तरफ में इंटाइन लेयर है फिर आपकी एग्जाइन लेयर है ये आपकी एग्जाइन लेयर हो गई दिस इज कॉल्ड एज योर एग्जाइन दिस इज कॉल्ड एज योर इंटाइन छोटा वाला जनरेटिव सेल बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल ठीक है ये जो गैप्स हैं आपके जंप पोर कहलाएंगे क्या कहलाएंगे आपके जंप पोर कहलाएंगे ठीक है सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर पॉलिन ग्रेन इसे हम क्या कहेंगे पॉलिन ग्रेन कहेंगे ठीक है तो जर्म पोर जो होते हैं वो मेल गैमेट को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं ग्रेन से क्योंकि एग्जाइन लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ये जो मेल गैमेट है जो जनरेटिव सेल के अंदर में है ये कहाँ से निकलेगा आपका जर्म पोर के थ्रू निकलेगा कहाँ से निकलेगा जर्म पोर होगा क्या ये वेजिटेटिव सेल जो होगी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगी एक ट्यूब बना लेगी और ये जो मेल गैमेट है उसी ट्यूब से बाहर की तरफ में आ जाएगा ठीक है इसलिए जर्म पोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे स्ट्रक्चर में क्योंकि आ, एक्जाइन लेयर जो है वो पोलन स्कोरो पोलिन की बनी है जो कि बहुत ज़्यादा टफ और रेजिस्टेंस सब्सटेंस होता है जिसे ईजली कोई भी एसिड एंजाइम या कोई तरीके का टेम्परेचर कुछ भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता ठीक है ना इसलिए जम्पोर के थ्रू आपका वेजिटेटिव सेल जो होगा पहले ये जो वेजिटेटिव सेल है ये आपका चेंज होगा ट्यूब सेल में अपने आप, आप को बड़ा करेगा इंक्रीज करेगा ट्यूब में चेंज होगा और जो जनरेटिव सेल का जो गैमेट है वो इसी वेजिटेटिव सेल के थ्रू होते हुए आपके फीमेल पार्ट में पहुंचेगा ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या स्ट्रक्चर है ठीक है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है द आउटर लेयर इज़ कॉल्ड एज योर एग्जाइन आउटर लेयर क्या कहला रही है आपकी एग्जाइन कहला रही है यह आपकी एग्जाइन है अंदर की तरफ में इंटाइन है बड़े बड़े आपको इसके अंदर वैक्यूल्स भी दिखेंगे अंदर की तरफ में एक फ्लूड भरा हुआ जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक है बड़ा वाला पार्ट जो होगा वो आपका ट्यूब सेल कहला रहा है आफ्टर डिवीजन जैसे ही माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा तो जितना बड़ा वाला पार्ट है वो आपका ट्यूब सेल कहलाएगा छोटा वाला पार्ट आपका जनरेटिव सेल कहलाएगा ठीक है ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है और ये आपका छोटा वाला जो अंदर ब्लैक कलर का दिख रहा है ये जर जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है दिस इज कॉल्ड एज योर जोमपुर या आपका जोमपुर है ठीक है तो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर पॉलन ग्रेन अब ये हमारा पॉलन ग्रेन में चेंज हो गया इससे पहले मैंने आपको माइक्रोस्पोर का भी स्ट्रक्चर दिखाया माइक्रोस्पोर में जो चेंजेस होते हैं माइटोसिस के बाद में जिससे हम पॉलिन ग्रेन में चेंज हो रहा है वो भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन आई होप दिस इज क्लियर टू यू द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट अच्छा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ एक एक करके कि किस तरीके से मेल गैमेट आपका फॉर्म हो रहा है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स uh, में आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से आपका मेल गैमेट सी है यहाँ पे आपका फिगर ए में देखिए ये आपका ग्रेन का स्ट्रक्चर है ठीक है ग्रेन के स्ट्रक्चर में माइटोसिस डिवीजन के बाद में ये दो पार्ट में चेंज हो जा रहा है बड़ा पार्ट आपका कहला रहा है वेजिटेटिव सेल छोटा पार्ट आपका कहला रहा है जेनरेटिव सेल ठीक है ना जेनरेटिव सेल जो है कुछ देर बाद में छोटा और छोटा स्पिंडल शेप का होकर के वेजिटेटिव सेल में ही फ्लोट करने लगता है घूमने लगता है ठीक है ना उसके बाद क्या होता है ये वेजिटेटिव सेल में आपके एक और डिवीजन के बाद में माइटोसिस का डिवीजन के बाद में ये आपके ये वेजि जनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड होने के बाद में दो मेल गैमेट में चेंज हो जाता है क्या हो जाता है दो मेल गैमेट में आपका चेंज हो जाता है और जो बड़ा वाला ट्यूब सेल है जिसे हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं वेजिटेटिव सेल आपका चेंज हो जाएगा पॉलन ट्यूब में तो जो वेजिटेटिव सेल है वो आपका चेंज हो जाएगा पॉलन ट्यूब में और जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बना देंगे ठीक है ना सो दिस इज कॉल्ड एज योर टू मेल गैमेट्स इसे हम क्या कह रहे हैं दो मेल गैमेट कह रहे हैं और आपका जो पॉलेंट ट्यूब है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है आपका वेजिटेटिव सेल से ठीक है तो ये दोनों मेल गैमेट जो होंगे वो क्या होंगे इसी ट्यूब से होते हुए आगे की तरफ में फीमेल फ्लावर तक पहुँचेंगे ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट मेल पार्ट यह आपका मेल एंड्रोशियम के बारे में पूरा सब चीज़ था कि मेल जो स्टेमिन होता है मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे फॉर्म हो रहा है एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में हम फीमेल पार्ट लेंगे कि फीमेल पार्ट में कैसे क्या फीमेल पार्ट होता है कैसे उसमें चेंजेस होते हैं दिस वी वी ऑल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो टिल नाउ दिस मच ओनली थैंक यू और ब्लेस यू